सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज फिर अमृतसर कोर्ट में पेश किया है। होशियारपुर पुलिस को 4 घंटों के लिए लॉरेंस का ट्रांजिट रिमांड मिला है, जिसके बाद 10 बजे लॉरेंस को लेकर होशियारपुर पुलिस अमृतसर से रवाना हो गई। रविवार रात को पुलिस मोहाली जिले के खड़क कस्बे से अमृतसर लेकर पहुंची थी और उसे रात माल मंडी स्थित SSOC में रखा गया। लॉरेंस का रिमांड हासिल करने के लिए अमृतसर के अलावा इस बार श्री साहिब और होशियारपुर की पुलिस भी पहुंची थी। आज सुबह मेडिकल कराने के बाद तकरीबन 7:30 बजे उसे अमृतसर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। अमृतसर पुलिस की कोशिश भी लॉरेंस का रिमांड हासिल करने की रही। पुलिस 3 अगस्त 2021 को हुए राणा कंधोवालिया मर्डर केस में उससे पूछताछ करना चाहती है। सबसे पहले अमृतसर पुलिस ने 8 दिन और दूसरी बार 5 दिन का रिमांड हासिल किया था, लेकिन इस बार उन्हें सफलता नहीं मिली। हेलो, यार टीम है, खराब करते पीछे आ जाओ। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 साल पहले होशियारपुर के मॉडल टाउन एरिया में गोलियां चली थी, जिसमें एक शराब व्यापारी घायल हो गया था। तब पुलिस ने धारा 307 के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। अब जब पंजाब पुलिस उसे लेकर आई है तो होशियारपुर पुलिस उस मामले में भी पूछताछ करना चाहती है। अमृतसर पुलिस की कोशिश थी कि लॉरेंस को भेजकर कोर्ट परिसर को 9 बजे तक खाली कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रांजिट रिमांड के चलते कागजी कार्यवाही में समय अधिक लग गया। 9 बजते ही कोर्ट परिसर में काम करने वाले कर्मी, जज और वकील पहुंचना शुरू हो गए। कुछ मिनटों के लिए तो सभी को रोक दिया गया, लेकिन 9:15 बजते ही स्टाफ ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लॉरेंस के कोर्ट परिसर में होने के चलते बंद किए गए दरवाजे खोलने पड़े। अमृतसर जिला कचहरी ने लॉरेंस के लिए 4 घंटे का ट्रांजिट रिमांड दिया है, जिसके बाद अब होशियारपुर पुलिस को अगले 4 घंटे में लॉरेंस को वहां की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश करना होगा। कोर्ट लॉरेंस का कितने दिनों का रिमांड देगी, ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन यह स्पष्ट है कि अभी लॉरेंस पंजाब पुलिस के घेरे में ही रहने वाला है।